जब भी हमसे कोई दुनिया के सबसे बड़े शिपिंग जहाज का नाम पूछता है तो हमारी जुबान पर टाइटैनिक का नाम आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में टाइटैनिक से भी बड़े कई शिपिंग जहाज मौजूद हैं? ये जहाज विशाल होने के साथ साथ हजारों टन सामान यहाँ से वहाँ ले जाने की क्षमता रखते हैं। आज मैं आपको विश्व के 8 सबसे बड़े शिपिंग जहाजों के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स एंड मिस्ट्री। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हैप्पी जायंट, जापानी कंपनी ने इसका निर्माण किया है। ये जहाज टाइटैनिक से भी डबल था। वर्ष 1974 में इसे बनाने का ऑर्डर दिया गया और वर्ष 1989 में इसका निर्माण पूरा हुआ। तकरीबन 5,64,000 टन वजनी यह जहाज 30 साल तक सेवा में रहा। 1500 फुट लंबा यह जहाज 1,00,000 टन सामान ले जाने में सक्षम था। पियराशिप सुपर टैंकर, पियराशिप को लोग सुपर टैंकर के नाम से भी जानते हैं। इसको कंपेनी नेशनल डे नेविगेशन के लिए बनाया गया था। इस जहाज का नाम फ्रांस के राजनीतिज्ञ और तेल उद्योग के संस्थापक पियरा के नाम पर रखा गया था। सुपर टैंकर 1977 में सेवा में लाया गया था। इसके विशाल आकार के कारण यह जहाज बहुत कम बंदरगाहों पर ही प्रवेश करता है। 1983 में हुंडई कारपोरेशन ने इसका नाम बदलकर उल्सान मास्टर रख दिया था। एसो अटलांटिक, एसो अटलांटिक को 11 अगस्त 1977 को जापान में बनाया गया था। यह जापान के सबसे बड़े जहाजों में से एक माना जाता है। एसो अटलांटिक में 611,200 क्यूबिक मीटर आयल ले जाने की क्षमता है। यह ऊंचाई में इतना बड़ा है कि इसमें 3 मंजिला इमारत समा जाए। इसकी कुल लंबाई 1334 फीट और चौड़ाई 233 फीट है। इसको खास तौर से भारी सामान ले जाने के लिए बनाया गया था। वजन की बात की जाए तो यह 5,08,731 टन भारी भरकम माना जाता है। इतने बड़े जहाज को समुद्र में चलाना आसान नहीं। इसके बाद भी इस जहाज की अधिकतम गति 16.051 समुद्री मील मानी जाती है। एम्मा मार्सस्क, एम्मा मार्सस्क को 2006 में लॉन्च किया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप माना जाता है। यह जहाज दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मोलर मार्सक ग्रुप के लिए काम करता है। इस कंपनी की शुरुआत 1904 में हुई थी। एम्मा मार्सस्क कंटेनर शिप की छठी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, जो 11,000 टन की क्षमता वाला जहाज है। टीआई क्लास सुपर टैंकर, टीआई क्लास सुपर टैंकर ने विश्व में सबसे बड़े टैंकरों के रूप में समुद्री रास्ते से तेल परिवहन से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में काफी मदद की है। यह दुनिया के कई हिस्सों में कच्चा तेल पहुंचाने में मदद करता है। टीआई क्लास सुपर टैंकर समुद्र में 16.5 समुद्री मील की गति से माल को ले जाने की क्षमता रखता है। इसको 2001 में बनाया गया था, पर इसको साल 2002 में लॉन्च किया गया। जहाज की लंबाई 380 मीटर और चौड़ाई 34 मीटर है और इसका वजन 400,000 टन है। इसमें 3 मिलियन बैरल से अधिक तेल ले जाने की क्षमता है। ग्लोबटिक टोक्यो शिप, ग्लोबटिक टोक्यो शिप को 1972 में बनाया गया था। यह 104,302 टन की क्षमता वाला विशाल शिप था। इसकी लंबाई 1,243 फीट है। सालों से इस जहाज का प्रयोग समुद्र में तेल को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए किया जाता है। इसकी कुल लंबाई 230 फीट मानी जाती है। इस लिहाज से इस जहाज में इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसमें एक साथ करीब 47 कारें खड़ी की जा सकती हैं। एमएस ओरे ब्रासिल, एमएस ओरे ब्रासिल को पहले वेल ब्रासिल के नाम से जाना जाता था। यह सिर्फ ब्राजीलियाई खनन कंपनी वेले का वाहक है। यह लगभग 400,000 टन का है और सबसे बड़े जहाजों में इसका नाम मशहूर है। इसका इस्तेमाल लो हेस को ले जाने के लिए किया जाता है। ब्राजील की कुल लंबाई 362.0 मीटर है, जो आज के समय में सबसे लंबे जहाजों में से एक है। इसकी पतवार की चौड़ाई 65 मीटर और 30.4 मीटर गहराई है। जब इसमें लो आयस को पूरा भर लेते हैं तो इसका वजन 11,150 ट्रक के बराबर होता है। एमएससी ओलिवर, एमएससी ओलिवर का नाम दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप में से एक है। यह 2015 में लॉन्च किया गया था। माना जाता है कि यह इतना बड़ा है कि 20 जहाज इसके अंदर समा सकते हैं। एमएससी ओलिवर को बनाने की शुरुआत 2013 में की गई थी, पर यह मार्च 2015 तक पूरा हुआ। इसकी पहली यात्रा की शुरुआत अप्रैल 2015 में हुई। यह जहाज एशिया और उत्तरी यूरोप के भी सेवा प्रदान करता है। इसकी कीमत 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी जाती है। एमएससी ओलिवर की कुल लंबाई 395.40 मीटर मानी जाती है। ओलिवर की कुल क्षमता 19,224 टीईयू है। जहाज की कुल रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास मानी जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए।